नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक गुप्ता, MBBS काउंसलर, करियर काउंसलर। और आप सब लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई 6 तारीख हो गई, काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई, एंड हमारे क्लाइंट्स भी हमसे पूछ रहे हैं। तो फिर से मैंने सोचा कॉमन वीडियो बना दूँ, थोड़ा सा आपको लॉजिक दे दूँ, थोड़ा समझा दूँ। और कोई वजह नहीं है। देखिए, पहली बात, बस आपको मोटा मोटी ये समझनी होती है कि एवरी बॉडी इज़ ए डिफरेंट बॉडी। सो NTA एक बॉडी है जिसका काम होता है, एक मतलब संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है कई सारे पेपर करवाना, जिसमें एक नीट भी था। और मैंने आपको कल ही वीडियो बताया कि अब सेंटर ने और NTA ने अलग अलग एफिडेविट दे दिए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी तरफ से कोई लार्ज स्केल दिक्कत नहीं हुई है। छोटे मोटे जो पटना में और गुजरात में जहाँ पर पकड़े गए हैं, वहाँ पर बस वही केसेस हुए हैं, उनको हमने पकड़ लिया, उनको हमारे कंट्रोल में है। तो मतलब 23.5 लाख बच्चों में 2-4 हज़ार बच्चों को जो फ़ायदा हुआ था या जितने भी थे, उनको हमने पकड़ लिया है और उनको सीट नहीं दी जा रही है कि उन्होंने अपना एफिडेविट कल ही दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल हियरिंग है, वो 8 तारीख को होनी है। आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि और बच्चे, और वो सारे 700 वाले नहीं है, 500 वाले भी, 400 वाले, कई बच्चों ने रिवर्स पिटीशन डाल दिया है कि नीट बिल्कुल अच्छा था, परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है और दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर अस टू गो एंड सिट इन द एग्जाम अगेन। और देखिए, सच्चाई भी है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो ज़्यादा इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो या तो जो है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मौका मिल जाएगा तो मैं क्वालिफाई कर लूँ, या मैं हमेशा कह रहा हूँ वही जो 620 से 650 नंबर के बीच में, अगर मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात करूँ, जिनको ये लगता है कि लास्ट ईयर के हिसाब से हमारी सरकारी सीट मिल जाती और इस सारे की वजह से मेरी सरकारी सीट जा रही है, तो ये दो सेगमेंट के बच्चे हैं जो आपको ज़्यादा प्रोटेस्ट करते मिलेंगे। मैंने कोई 450 मार्क्स वाला बच्चा नहीं देखा या 350 मार्क्स वाला जो कह रहा है कि दोबारा नीट हो। इट इज़ बेसिकली ना 680 वाला कह रहा है, 690 वाला कह रहा। जब 680 वाले को भी तो मौलाना आजाद नहीं मिल रहा ना जो पहले मिल जाता था, उसको अब थोड़े नीचे वाले गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, 670 वाले को, 665 वाले को। दे आर नॉट गेटिंग द टॉप नॉच कॉलेजेस जो लास्ट ईयर मिलते थे, बट दे आर स्टिल वेरी हैप्पी एंड फाइन कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल रहा है, कम फीस वाला मिल रहा है। बेसिकली मैं ये भी हर बार समझाता हूँ कि MBBS की भाषा में गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब होता है सस्ता कॉलेज, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज द गुड क्वालिटी। तो वही ये, और जिसके 600 से कम है उसको पता था कि भाई मुझे वैसे नहीं मिलना था, पर ये 620 से 650 का जो सेगमेंट है, आई थिंक दिस इज़ द सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है कि भाई हमारी सरकारी सीट का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा फिर बहुत बड़ा सेगमेंट है, 550, 500, 450, इवन 180, 210 नंबर वाले बच्चे, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर, सबको ठीक हुआ है, हमारा पेपर ठीक गया और इसी मार्क्स में हमें सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, दोबारा दे के हम 300, 350 ना लाने की कोशिश करना चाहते, और दबी आवाज़ में कह देते हैं ना हमारे बस की है, तो इसी में सीट दिलवा दो सर काउंसलिंग के जरिए से, या अगर जरूरत पड़े तो NRI, कर्नाटक, MP एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप कई बार मुझसे सुन चुके हो। तो अब मैटर है 2 दिन का, क्योंकि तो NTA ने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब हर स्टेट की, सेंट्रल की अपनी अपनी काउंसलिंग कमेटीज़ हैं, और एक MCC है जो काउंसलिंग कमेटी है, जो ऑल इंडिया सेंट्रल कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है, जिसमें 51 कॉलेजेस प्राइवेट हैं, एम्स, ZIPMER, BHU, AMU और बाकी सारे सरकारी कॉलेजों के 15% सीटें AFMCBC में आता है। सिमिलरली हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग बॉडी है, जिसमें वो कर्नाटका की बॉडी है जिसका नोटिस का हम 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा से 4 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खुलेगा। ऐसी केरल की बॉडी है जिसे दोबारा खोल के लास्ट मौका दे दिया आपको रजिस्ट्रेशन करने का। तो अब MCC की तरफ से देखो, MCC को लग रहा है कि भाई मैंने आज चालू कर दी, 2 दिन की बात है, बात महीने की नहीं है ना। 8 तारीख को लेट से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट करने को बोल दिया, अब MCC ने आज चालू कर दिया रजिस्ट्रेशन, आप लोगों ने आज और कल ही पैसे जमा करा दिए, और पता चल रहा है कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन ऐसा ले दिया कि अब MCC के सर पे झंझट कि आपके पैसे वापसी करो, क्योंकि जो लोग 2-2 लाख, 2 लाख 5 हज़ार रुपये जमा करा देंगे, फिर वापसी भी तो करने पड़ेंगे ना। तो मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू टेक अ ईजी पाथ। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि चूँकि मैटर खाली 2 दिन का है, अगर सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग एग्जाम्पल के लिए 20 अगस्त को होती तो फिर MCC लॉन्च कर देता, कि MCC MDS स्टार्ट कर चुका है, तो मेरे हिसाब से MCC पूरी तरीके से तैयार है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज, वो कह रहे भाई 8 तारीख को एक बार हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए। तो हमें क्या है भाई, जो हमने आज शाम को लॉन्च करना था ब्रोशर, वो 8 तारीख की शाम को कर देंगे।
नॉक कर देंगे, तो इसलिए शायद आज नहीं हो रहा, आज कल में भी नहीं होगा। मेरा मानना है कि एक बार 8 तारीख वाला काम हो जाए, उसके बाद ही MCC 9 तारीख को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कैंसिलेशन ऑफ नीट के लिए ऑफिशियली, क्योंकि तब तक जैसा हमने कहा एफिडेविट जा चुके हैं, CBI की इंक्वायरी चल रही है, क्या पता CBI भी पेश हो जाए 8 तारीख को, और एक ओवरऑल जो माहौल है, और अब जब सेंटर ने एफिडेविट दे दिया तो आप ये सोचिए कि अब तो पहले तो ये था ना कि केंद्र सरकार जानबूझ के देवर साइलेंट, क्योंकि वही बात है कि अगर जो भी बोलता है, जैसे कभी कभी वीडियो में मैंने बोल दिया या लोगों ने समझ लिया कि नीट दोबारा नहीं होना चाहिए, तो जो इन लोग नीट चाहते हैं वो फिर बैड बैड कॉमर्स लिखना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ध्यान से नोट कीजिए, वो अभी तक दूर थी इस चीज़ से। फिर से NTA अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि BJP की, उन्हीं के शायद एक स्टेट के मिनिस्टर ने तो बोला हाँ दोबारा हो, क्योंकि इस उस समय जो माहौल था, आज से मैं महीना पुरानी बात कर रहा हूँ, वो माहौल ये था कि हाँ जी नीट दोबारा हो, तो सब अपोजिशन पार्टियाँ तो कह रही हैं दोबारा हो, तो जो ना बोले बेसिकली लोगों की नाराज़गी, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो उस वजह से आई थिंक BJP के भी एक दो मिनिस्टर्स ने, दो स्टेट्स मिनिस्टर्स हैं, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, उन्होंने भी कहा कि हाँ अभी शायद नीट में धांधली हुई है, दोबारा होना चाहिए। बट धीरे धीरे आफ्टर एग्जैक्टली 1 मंथ, 4 जून से आज हम 6 जुलाई पर आ गए हैं, तो उन्होंने देख लिया कि टोटल क्या उसका स्केल था, उसके हिसाब से वो सब तो खामोश हो ही गए हैं जो BJP के स्टेट्स थे। अपोजिशन वाले हमेशा ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो बस मुद्दा चाहिए, नॉट अबाउट नीट। अपोजिशन तो ये कह रहे हैं कि आप पेपर लीक होते हैं, आपके बस की नहीं है देश संभालना, ऑर्गेनाइजेशन संभालना, तो आप इस्तीफा दीजिए और हम इंडिया ब्लॉक की सरकार बने। तो उनका तो वो एजेंडा है ज़्यादा, कि टू प्रूव द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्हें नीट से क्या मतलब, मतलब श्योर कि जो भी नीट के बारे में आके बोल रहा है बड़े बड़े नेता, 95% लोगों को पता भी नहीं हुआ कि नीट का पेपर का मतलब क्या है और वो करता क्या है, ये भी सच्चाई है। तो एनीवे इन शॉर्ट, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज, तो आप सब भी शांति से बैठिए। आई थिंक 8 तारीख को जो फैसला हो जाएगा उसके हिसाब से फिर MCC चापता 8 की शाम को या 9 तारीख को रिलीज़ कर दे ब्रोशर अपना, और जनरली वो ब्रोशर रिलीज़ करते हैं तो हाथ के आते रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाता है। बट एक और जो फैक्टर है वो ये कि अभी तक सीट मैट्रिसेस भी नहीं आए हैं, मतलब अभी तो ये भी नहीं आया है, आधे से ज़्यादा जो MCC के अंडर रहेंगी 51 प्राइवेट कॉलेज, उनकी रिवाइज फ़ी स्ट्रक्चर भी नहीं आया है। अब क्या पता वो तो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होगी तो उस टाइम तो ऑनलाइन उनको रिवाइज फ़ीस देनी पड़ेगी ना। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी एक्शन पैक्ड, अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब ठीक रहा इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट नहीं दिया और चलने को बोला, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में एक तरफ से सारे हमारे फ़ी स्ट्रक्चर्स अपडेट होंगे और एक तरफ से MCC ब्रोशर अपना रिलीज़ कर देगा। तो 9 नहीं तो मैक्सिमम, मतलब वी कैन इमेजिन कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुड स्टार्ट फ्रॉम रफली अराउंड 14-15 जुलाई, और फिर उसके हिसाब से स्टेट्स की काउंसलिंग 25 जुलाई को स्टार्ट होगी, 10 डेज का लैग होता है, और सितंबर एंड तक हम काउंसलिंग ख़त्म करके 3 अक्टूबर को हम अपने अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक टाइमलाइन मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आई होप ये क्लैरिटी आपको अच्छी लगी, ताकि आप परेशान ना हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 6 तारीख को तो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। तो हैव अ नाइस वीकेंड, लेट मी पुट इट दिस वे। और फिर से मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि जिन लोगों को NRI गार्जियन सीट लेनी है या NRI फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप सीट लेनी है, उन्हीं का इस समय काम चल रहा है कि अपने पेपर्स रेडी रखिए ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। राइट, ओके, हैव अ नाइस डे, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।